हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने गैस रिलेशन के बारे में पढ़ रहे थे। गैस रिलेशन में जो ब्लास्टुला के दौरान बनी हुई कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि मेगामियर्स और माइक्रोमियर्स, उनमें मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है। और इस मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट जो है वो इनमें दो प्रकार से होता है, तो एपिबोली और एक एम्बोली। एपिबोली और एम्बोली हमने पढ़ लेते हैं। और एम्बोली के अंदर ही हम जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है वो छः प्रकार से होता है, जिसमें दो प्रकार इन्वेजिनेशन और इन्वोल्यूशन, ये दो प्रकार हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ रहे हैं तीसरा प्रकार, जो कि कहलाता है इनग्रेशन। इनग्रेशन के अंदर क्या होता है, इस विधि में ब्लास्टोडर्म की कोशिकाएँ एकल या छोटे छोटे समूह में भीतर की तरफ गमन कर ब्लास्टोसील गुहा या अधोजनिक गुहा में जमा हो जाती है। ये स्थानांतरित हुई कोशिकाएँ निश्चित स्तर में विन्यासित हो जाती हैं, जिसे हाइपोब्लास्ट कहते हैं, तथा कोरक गुहा आर्केंटोन गुहा में रूपांतरित हो जाती है। इस तरह की क्रिया बहुपीत की अंडों वाले प्राणियों में पाई जाती है। इस क्रिया में स्थानांतरित होने वाली कोशिकाएं कोरक चम से पृथक होकर अमीबॉइड गमन द्वारा कोरक गुहा में गमन करती हैं। फिर फोर्थ है डाइवर्जेंस। ये विधि कन्वर्जेंस से उल्टी होती है। इसमें क्या होता है, गैस रिलेशन के दौरान जो कोशिकाएँ कोरक क्षेत्र से अंतर्वलित होकर भीतर आ जाती हैं, वे अपसरित होकर भ्रूण में संभावित अंगों के विकास हेतु अपने अपने निश्चित स्थान की ओर गमन करती हैं। इस तरह की गतियां मेंढक में पार्श्व प्लेट तथा अदर मिजोडम या रेप्टाइल्स एबीज में मेमेलिय वर्ग में पार्श्व प्लेट तथा अतिरिक्त भ्रूणीय मिजोडम में देखी जा सकती है। तो यह है डाइवर्जेंस। इसके बाद फिफ्थ आता है डिलेमिनेशन। गैस्टुलेशन में जो डिलेमिनेशन की क्रिया होती है वो प्रमुख रूप से जो बहुपीत के अंडे होते हैं उनमें पाई जाती है, उनमें होने वाले भ्रूण में पाई जाती है। इस विधि में बहुकोशीय जननिक बिंब वाले कोरक से कोशिकाएं पृथक होकर जननिक गुहा के फर्श पर अर्थात पीतक पर गिरती जाती हैं तथा एक स्तर में विन्यासित हो जाती हैं। अस्थिल मछलियों तथा अन्य प्राणियों में नोटोकोडल, मेजोकोडल तथा एंडोडर्मल कोशिकाएँ इसी विधि द्वारा पृथक होती हैं। हाइड्रा में भी गैस्ट्रुला का निर्माण विसरण या डिलेमिनेशन विधि द्वारा ही होता है। इसमें भी एक इस तरह कोरक की कोशिकाएं पृथक होकर गुहा में गिर जाती हैं, जो बाद में विन्यासित होकर गैस्ट्रुला का दूसरा स्तर बनाती हैं। तो ये जो है विसरण की क्रिया दिखाई गई है। लास्ट है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है, सभी कशेरुकी प्राणियों के विकास में एक्सटेंशन द्वारा कोशिकाओं की गमन क्रिया महत्वपूर्ण कारक होती है। इस क्रिया में भ्रूण अपनी अपनी अग्रपथ चक्ष पर लंबा होने लगता है और इस समय बाहर की तरफ संभावित तंत्रिकीय तथा एपिडर्मल क्षेत्रों तथा भीतर की तरफ तंत्रिकीय प्लेट के नीचे आने पर नोटोकोडल, मेजोडर्मल तथा एंडोडर्मल कोशिकाओं का लंबाई में फैलना प्रसरण के उदाहरण। इस तरह गैस्टुलेशन के दौरान विभिन्न प्राणियों में अलग अलग विधि द्वारा कोशिकाएँ अपने अपने निर्दिष्ट स्थान की तरफ गमन कर संभावित अंगों के निर्माण स्थान तक पहुँच जाती हैं। तो इस तरह से जो है इन क्रियाओं के द्वारा ये कोशिकाएं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट करती हैं और जहाँ पर इनको जॉइंट बनाना होता है वहीं पर ये पहुँच जाती हैं। तो एपिबोली और एम्बोली दो विधियों से इनमें मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट पाया जाता है। अब है केमिकल चेंजेज ड्यूरिंग गैस्टुलेशन। तो भ्रूणी विकास में गैस्टुलेशन एक अति सक्रिय अवस्था है। इसमें विभेदन एवं आखिरी संरचनात्मक गतियाँ संपन्न होती हैं। इस दौरान विभिन्न प्रकार के जो मेगामियर्स हैं उनकी उपापचयी दर में वृद्धि हो जाती है और इस कारण संपूर्ण गैस्ट्रुला की मेटाबॉलिक रेट में भी वृद्धि हो जाती है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार से। सबसे पहले है कैटाबॉलिक एक्टिविटी। गैस्ट्रुलेशन के दौरान कोशिकाओं का आकारीय संरचनात्मक गमन होता है। इसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की पूर्ति हेतु ऑक्सीजन उपभोग की दर बढ़ जाती है, जिससे ऑक्सीडेशन दर भी बढ़ जाती है और आरक्षित खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे एटीपी के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है। इसमें पहला है ग्लाइकोजन, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोजन। अधिकांश प्राणियों में ग्लाइकोजन एक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ होता है, जो ऑक्सीकृत होकर निरंतर ऊर्जा उपलब्ध करवाता है। मेंढक के भ्रूण की कोरक क्षेत्र से अंतर्वलित होने वाली कोशिकाओं में निरंतर ग्लाइकोजन की घटती मात्राएँ सिद्ध करती है कि संग्रहित ग्लाइकोजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जाता है। सेकेंड है ब्रेक डाउन ऑफ योग। ग्लाइकोजन के अतिरिक्त जो कोरक खंड है उनमें ऊर्जा प्राप्ति के लिए पीतक का भी विखंडन होता है। मेंढक में पीतक कणिकाओं के विखंडन का अध्ययन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा जैव रासायनिक किरण द्वारा देखा जा सकता है। अब है एनाबोलिक एक्टिविटी।
जैसा कि पूर्व में बताया गया है, गैस्ट्रुलेशन के दौरान भ्रूणीय वृद्धि नहीं होती है, परंतु कोशिका विभाजन निरंतर होता रहता है, जिसमें कोशिका द्रवी पदार्थों से केंद्रीय अम्लों व प्रोटीन्स का निरंतर संश्लेषण होता रहता है। इसमें फर्स्ट होता है सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। प्रत्येक कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रीय के अम्लों का निरंतर संश्लेषण होता है। गुणसूत्रों के द्विगुणन के लिए डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। आणविक स्तर पर गैस्ट्रुलेशन की शुरुआत का पता भी डीएनए आधारित आरआरएनए के अणुओं के संश्लेषण से पता लगाया जाता है। अर्थात गैस्ट्रुलेशन के शुरुआत में ही डीएनए से आरआरएनए का प्रतिलेखन होना लगता है। गैस्ट्रुलेशन के दौरान नए एमआरएनए व टीआरएनए अणुओं का संश्लेषण भी होने लगता है। सेकेंड है प्रोटीन सिंथेसिस। गैस्ट्रुलेशन के दौरान प्रोटीन सिंथेसिस की दर में वृद्धि हो जाती है। इस समय विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन्स का संश्लेषण होता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ पीतक से प्राप्त किए जाते हैं। टीडमैन एंड टीडमैन ने 1954 में ये बताया कि टाइटुरस के भ्रूण में प्रोटीन सिंथेसिस की दर में 5 गुना वृद्धि हो जाती है। नए प्रोटीन्स का संश्लेषण पैथ्रक जीन्स के निर्देशन में होता है। ये जीन्स गैस्ट्रुलेशन के समय ही सक्रिय होते हैं। एम्फीबियन तथा सी अर्चिन के गैस्ट्रोला में एंटीजेंस पाए जाते हैं, जो एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करने में समक्ष होते हैं। इस तरह के एंटीजन प्रोटीन गैस्ट्रोला वक्त से पहले नहीं पाए जाते। अब है जीन एक्टिविटी ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। अंडों में उपस्थित जीन्स भी संपूर्ण विदलन के दौरान सुसुप्त अवस्था में रहते हैं। गैस्ट्रुलेशन के समय सक्रिय होकर विकासी अवस्थाओं पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि विदलन पर पैतृक जीन्स का प्रभाव नहीं होता है। विदलन पर जीन्स का सीधा नियंत्रण न होकर अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। अर्थात अंड जनन के समय एमआरएनए कणों जो कि पैतृक जीन्स के निर्देशन में संश्लेषित किए गए थे, विदलन की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। गैस्ट्रुलेशन के प्रारंभ होते ही भ्रूणीय कोशिकाओं के गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स विभिन्न प्रकार के आरआरएनए का संश्लेषण करते हैं। ये विभिन्न आरएनए के अणु विशेष प्रकार के प्रोटीन संश्लेषण द्वारा विकासीय अवस्थाओं पर अपना नियंत्रण रखते हैं। विभिन्न अप्रत्यक्ष प्रमाणों द्वारा भी सिद्ध हो चुका है कि गैस्ट्रुलेशन तथा उत्तर गैस्ट्रुलेशन विकासीय अवस्थाओं पर जीन्स का नियंत्रण होता है। जिसमें पहला है, यदि निषेचित अंडे से केंद्र को हटा दिया जाए जिसमें मात्र पैतृक जीन्स पाए जाते हैं, तो भी केंद्रग्राही अंडे में मूल अवस्था तक विलयन होता है, परंतु गैस्ट्रुला का निर्माण नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि विदलन के पश्चात आगे की विकासी क्रियाओं के लिए केंद्रक का उपस्थित होना अति आवश्यक होता है। सेकेंड है, गैस्ट्रुलेशन के दौरान पैतृक जीन्स कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन्स का संश्लेषण करते हैं, जो कोरक खंडों से रासायनिक विभेदन उत्पन्न कर कोरक खंडों को जैव रासायनिक की दृष्टि से विभेदित करते हैं। तीसरा है, गैस्ट्रुलेशन के दौरान कई लीथल म्यूटेशंस अपना प्रभाव उत्पन्न कर गैस्ट्रुला की मृत्यु के कारण भी बनते हैं। फोर्थ है, एम्फीबियंस प्राणियों में संक्रमण विकासीय अवस्थाओं को अवरुद्ध कर देता है। अब है गैस्ट्रुलेशन का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ गैस्ट्रुलेशन। इसके क्या महत्व है? फर्स्ट, गैस्ट्रुलेशन की क्रिया बहुकोशीय कार्य के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था मानी जाती है। इस क्रिया में कोरक खंडों का विभाजन होता है तथा संभावित अंगों के निर्माण के लिए ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो निश्चित स्थान पर इनका जमा होता है। यहाँ सर्वप्रथम कोशिकाओं में श्रम विभाजन पाया जाता है। सेकंड है, गैस्ट्रुलेशन की क्रिया में विभाजन दर धीमी हो जाती है तथा मेटाबॉलिक विभिन्नताएं एवं जैव रासायनिक विभेदन उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे भ्रूण में वृद्धि जटिलता की ओर अग्रसर होने लगती है। तीसरा है, गैस्ट्रुलेशन की क्रिया में केंद्रक अधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा नए प्रकार के प्रोटीन्स का संश्लेषण करने लगते हैं। फोर्थ है, तंत्रिका तंत्र के विभेदन के लिए गैस्ट्रुलेशन आवश्यक है। तो इस प्रकार गैस्ट्रुलेशन के दौरान भ्रूण त्रिस्तरीय हो जाता है, जिसमें एक्टोडर्म, मेजोडर्म तथा एंडोडर्म बन जाते हैं। इसके अलावा जो कोशिकाओं का मूवमेंट होता है, मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट, तो हर कोशिका जो है अपने उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर उसको उस अंग का निर्माण करना होता है। तो इस तरह से ये जो गैस्ट्रुलेशन की क्रिया है ये अति महत्वपूर्ण क्रिया होती है। यहाँ पर आकर भ्रूण में जो ऑर्गेनोजेनेसिस जो है उसकी शुरुआत होने लगती है। तो ये है गैस्ट्रुलेशन की क्रिया विधि। ये कुछ क्वेश्चन है जिन्हें आप करिएगा और ये जो है इन क्वेश्चंस को भी हल कीजिएगा। थैंक यू।